Okay, good afternoon students. So today's topic is an evening wet with rain. तो ये वाला आज हम देखेंगे, ठीक है। एक ऐसा शाम जब बारिश हो रहा है और पूरा गीला हो गया है, पूरा शाम, ठीक है, पूरा अर्थ गीला है क्योंकि बारिश हो रहा है वहाँ पे। इट इज़ रिटन बाय वेट पर्ल डीप। इसको किसने लिखा है? वेट पर्ल डीप ने, ठीक है, डीप ने। Well, so let's start from the introduction. Wet Pal Deep, born in 1929. Wet Pal Deep kab born hua hai? 1929 mein. Was an eminent Dogri writer. Wo kon hai? Ek Dogri writer hai, theek hai. His publication, unhone books ek publish kiya hai, matlab unhone ek book nikala hai, uska naam hai आस्तीन एंड बंजारी लोग। ये वाला उन्होंने एक डोगरी लैंग्वेज में एक बुक लिखा है उन्होंने, जिसको अवॉर्ड किया था जेके एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में, उनको इस बुक के लिए अवॉर्डेड किया था। एंड ही डायरी 1995 में उनकी डेथ हो गए थे। ओके, सो यहाँ पे द पोएट रिमेंबर, अब यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे इस पोएम में क्या है, ये जो सेंट्रल आइडिया दिया है इस पोएम में, है ना, जिसको मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेंड भी किया था। अभी फिर यहाँ से थोड़ा वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से थोड़ा हम और देखते हैं। द पोएट रिमेंबर एन इवनिंग वेट विद रेन। पोएट उस शाम को याद कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है वो वाला शाम जब पूरा बारिश होके पूरा गीले पड़े हुए हैं ज़मीन, ठीक है। इट इज़ एन एटमोसफियर ऑफ कम्प्लीट साइलेंस। ये एक ऐसा एटमोसफियर है जहाँ पे बिल्कुल साइलेंस है, कोई भी शोर नहीं है। एक ऐसा इवनिंग जिसपे बारिश हो रहा है, साइड से कोई इतने बहुत सारे लोग नहीं चल रहे हैं और बहुत ही क्लाउड्स आए हुए हैं, बारिश हो रहा है, गीले पड़े हुए हैं ज़मीन, तो एक ऐसा शाम वो याद कर रहा है, ठीक है, बहुत साइलेंस वाला शाम था। द पोएट ड्रॉज न्यूमरस इमेजेस फ्रॉम नेचर टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। वहाँ ये इस पोएम में जो पोएट है ना, वो बहुत सारे न्यूमरस मीन नंबर्स ऑफ न्यूमरस मीन्स नंबर्स ऑफ इमेजेस, बहुत सारे ऐसे इमेजेस वो दिखा रहा है फ्रॉम नेचर टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ साइलेंस और सॉलिट्यूड में, अकेलापन, सॉलिट्यूड मीन्स अलोन रहना। द पोएट सीम्स टू बी डिप्रेस। यहाँ इस पोएम में क्या हमें नज़र रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो पोएट है वो डिप्रेस में है। क्यों? परहेज फॉर लूज ऑफ होप दैट हैज टेकन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ। क्योंकि उसके लाइफ में से जितना भी उसको होप था वो सब चला गया है। परहेज फॉर लूज ऑफ होप मीन्स जो भी होप उसको था किसी चीज़ के को लेके, वो सब लूज होते जा रहा है। दैट हैज़ टेकन, इसलिए उसने अपनी जो लाइफ है उसको उस इवनिंग के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। देन डार्कन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ, उसको इस इवनिंग के साथ कंपेयर किया है। अपने लाइफ के जो डार्कन साइड है, मुंडिक्स, उसको लाइफ पूरा मुंडिक्स हो तो क्या, उसकी लाइफ में अंधकार छा गया है, वो डिप्रेस में है, तो वो इस इवनिंग को, जो बारिश वाला इवनिंग होता है ना, एक अकेला सा चिकपो पूरा पीसफुल थोनों पर, कभी कभी साइलेंस नज़र आता है ना जब बारिश होते हैं शाम को, कोई इतने लोग नहीं चलते हैं, बट बारिश गिरते हैं, क्लाउड्स माउंटेन्स के ऊपर आते हैं, फिर पूरा अंधेरा हो जाता है ना, तो ऐसा एक शाम को वो अपनी लाइफ के साथ कंपेयर कर रहा था। द पोएट इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड। यहाँ पे पोएट अपने बचपन को याद करते हुए, जब वो व्हेन ही स्टूड अलोन इन द कर्टयार्ड, बचपन में जब वो अपने आंगन में अकेले खड़े रहते थे, लिसनिंग टू द साउंड ऑफ सिंबल मीन्स जो घर के ऊपर एक हम विंड चाइमिंग लगाते हैं ना, जिसको हवा लगने से कुछ म्यूजिक, अच्छी सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो, एक उसमें से हमें अच्छी सी आवाज़, पीसफुल आवाज़ सुनाई देता है। आप सबको पता है ना विंड चाइमिंग जो घर के ऊपर लगते हैं, उसमें से आवाज़ें आना होता है जब उसको हवा लगते हैं, तो वो वाला वो घर के आंगन के उस साइड में ये विंड चाइमिंग की आवाज़ उसको आ रहे थे, और उस शाम उस चाइल्डहुड को वो याद कर रहे हैं, ठीक है। ही रिग्रेट दैट द डेज गॉन डू बाई डू नो रिटर्न। और यहाँ पे वो रिग्रेट फील हो रहा है, हालांकि जो टाइम चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता है, ठीक है। इन डोगरी द पोएम इज कॉल्ड, डोगरी लैंग्वेज में इस पोएम को बदलाए नए सिजरी साजन। इस पोएम जो एन इवनिंग वेट विद रेन है ना, इसको तो बाद में उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था ना, लेकिन इस पोएम को डोगरी में क्या कहते हैं, बदलाए नए सिजरी साजन, ठीक है। तो यहाँ तक ये है कि इस पोएम में क्या क्या है, वह यहाँ पे हमें समझ में आ गया है ना। नाउ हम नीचे से पोएम थोड़ा देखेंगे। एन इवनिंग वेट विद रेन, एक ऐसा शाम जब गीले पड़े हुए हैं, पूरा धरती गीला है। एस आई वॉक थ्रू द लेन, मैं एक पतली सी रोड से, लेन मीन्स एक नैरो रोड से मैं जा रहा था। द हर्ट बेकॉन्स द हैंड्स टू होल्ड देम विद लव, द माइंड ऑल्सो नो सबटाइल सिग्नल ऑफ द ब्रीज। मेरा हर्ट है वो मुझे
फॉलो कर रहा था, बोल रहा था कि तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत है, तुम्हें किसी हाथ की ज़रूरत है, हैंड की ज़रूरत है जो तुम्हें होल्ड करे, प्यार से तुम्हारे हाथ को पकड़े, है ना। तुम्हें इसे एक कंपेनियन की ज़रूरत है। द हार्ट ब्रेक बेकाउंस मीन्स हार्ट फॉलो करके बता रहा था, मुझे फॉलो करके बता रहा था कि तुम्हें किसी की ज़रूरत है, तुम्हें किसी की हाथ की ज़रूरत है। मीन्स हाथ मीन्स सहारे की ज़रूरत है, है ना। होल्ड देम विद जो हाथ तुम्हें प्यार से पकड़े, तो तुम्हें ऐसे एक कंपेनियन की ज़रूरत है, है ना। तो वो यहाँ पे कह रहे थे द माइंड ऑल्सो नो सबटल सिग्नल ऑफ द ब्रीज। तो माइंड भी उसको इस हार्ट के हार्ट जो कह रहा था, माइंड भी वही कह रहे थे जो ठंडी ठंडी हवा उस जो ठंडी ठंडी हवा चल रहा था वहाँ पे, तो वो उसको कह रहा था कि मतलब माइंड ऑल्सो नो सबटल सिग्नल ऑफ द ब्रीज। जो ठंडी ठंडी हवा चल रहा था, तो वहाँ जो हमारी जो हम जंगाती माइंड ना हार्ट मीन्स का गाता कोलन ओपा, हम कभी भी सोचते हैं तो हार्ट और माइंड दोनों यूज़ करते हैं ना। तो हार्ट तो कह रहा था कि तुम्हें किसी की ज़रूरत है, हाँ तुम्हारे तुम्हें किसी प्यार की ज़रूरत है ना, जो तुम्हारे हाथ को प्यार से पकड़े या तुम्हें अच्छी तरह से समझे, कंपेनियन की ज़रूरत है। और माइंड भी साथ में कह रहा था कि तुम्हें हाँ सच में किसी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पॉइंट सोचता है कि शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड एंड वेफ्ट विद द विंड। तो सोचता है कि क्या मैं यहीं पर अकेले खड़े रहूँ या मैं इस हवा के साथ मूव करते जाऊँ। ठीक है, तो एक शाम पॉइंट अकेले बैठे हुए थे, एक नैरो रोड से वो अकेला चल रहा था, पूरा बारिश हो रहा था, पूरा अंधेरा हो गया था, बादल पहाड़ों पे आ गए थे, पूरे स्काई में बादल छाए हुए थे। तो अकेला पॉइंट वहाँ से चल रहा था, चलते चलते उसके हार्ट उसको कहने लगे कि तुम कब तक अकेले चलोगे, तुम्हें किसी की सहारे की ज़रूरत है। तो माइंड भी उसको वह सपोर्ट कर रहा था कि हाँ तुम्हें तो किसी की ज़रूरत है। जो हवा चल रहा था वहाँ उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ चले। ठीक है, तो फिर वहाँ पे उसने सोचा कि शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड, क्या मैं यहाँ अकेले रहूँ या मैं इस जो हवा मेरे साथ चल रहा है उस हवा के साथ मैं भी आगे बढ़ते जाऊँ। तो इस शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड मीन्स यहाँ इसका मतलब है शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड मीन्स क्या मैं अकेले रहूँ या और वेस्ट विद विन या मैं किसी कंपेनियन के साथ आगे बढ़ूँ लाइफ में। ठीक है, शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड मीन्स क्या मैं अकेले रहूँ या एंड वेस्ट विद द विन मीन्स या मैं किसी कंपेनियन के साथ आगे बढ़ूँ। विंडोज डोर्स अवनिंग्स ऑफ दिस हाउसेस आर वेट। बारिश की वजह से जो खिड़की है, डोर्स है, कैनवस है, अवनिंग्स मीन्स जो कैनवस है, ये सब क्या है, और हाउसेस घर ये सब क्या हो गया है, गीला पड़ गया है। कूल ब्रीज स्टीर द लीव्स ऑफ द योंडर बनियन ट्री। जो बनियन ट्री होता है ना उसके जो लीव्स है ना पत्ते, वो पूरे इस बारिश की वजह से हिल रहे थे। ठीक है, द कॉलर ऑफ माई कोट इज़ ऑल्सो वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन। जो मेरे कोट के जो कॉलर है वो भी इस बारिश की वजह से गीले हो गए थे। ठीक है ना, जो खिड़की हैं दरवाजे हैं और कैनवस है और घर के, ये सब पूरे गीले हो गए थे। जो और कूल ब्रीज हवा चल रहा था जिसकी वजह से जो बनियन ट्री है उसके पत्ते हिल रहे थे, इधर उधर हो रहे थे, और मेरे जो कॉलर है उसके कोट के जो कॉलर है वो भी गीले हो गए थे। ऑल अराउंड रेन साइलेंस, हर जगह मुझे क्या सुनाई दे रहा था, एकदम साइलेंस। ठीक है, पूरा ऑल राउंड रेन साइलेंस मीन्स पूरा क्या है, वहाँ पे साइलेंस है, कुछ भी शोर नहीं है वहाँ पे, एकदम साइलेंस हो गया था वो। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक